तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको आपके कैमरे का बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप अपने कैमरे से सेल्फी लेते रहेंगे, बाकी और कुछ नहीं करते रहेंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपका कैमरा इतना कमाल का काम कर सकता है कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करती हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या कर सकता है हमारा कैमरा सेल्फी के अलावा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप शेयर वाली बटन पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाएं। और दोस्तों, आपको नीचे आना है, कमेंट सेक्शन में आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, दो कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। आप किसी भी ट्रिक को यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको पहला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ट्रांसलेट। आप इससे भी मैजिक कर सकते हैं, कमाल कर सकती हैं। और आपको दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है कैमरा ट्रांसलेट। दोस्तों, बेसिकली ये दोनों एप्लीकेशन ट्रांसलेट का है। जैसे आप अपने कैमरे को ओपन करके किसी भी इंग्लिश शब्द को यहाँ पे लेके आएंगे, यह हिंदी हो जाएगा, ठीक है, यह हिंदी हो जाएगा आपके फोन में। दोस्तों, आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में कमजोर हैं। मैं भी कमजोर हूँ, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं भी कमजोर हूं। अगर मुझे ये पढ़ना रहेगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं बरोबर नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे आप कैमरे को ओपन करेंगे सारा कुछ हिंदी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक एक करके दोनों एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो इनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेते हैं, यह गूगल की एप्लीकेशन है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको थ्री डॉट में जाना है, उसके बाद में आपको जाना है ऑफलाइन ट्रांसलेट पे। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी यह वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन ट्रांसलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट किया हूँ और दूसरी भाषा हिंदी को डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए, अगर आप मराठी हैं, आप पंजाबी हैं, अगर आप इंग्लिश को मराठी में करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को पंजाबी में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है। आप देख सकते हैं मराठी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको मराठी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह काम करना है, नहीं तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अगर आप पंजाबी हैं तो आपको यहाँ से पंजाबी डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कैमरे का। तो जैसे आप कैमरे पे क्लिक करेंगे, आपको यहां से अलाउ कर देना है। ओके, अब चलिए मैं इस बॉक्स को, इस पैकेट को इसके पीछे लाता हूं। इस पे इंग्लिश लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो मैं इसको इसके पीछे लाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको इसके पीछे लाया, यह हिंदी में हो गया, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और यह हिंदी में हो गया, बस मुझे हिंदी डाउनलोड करना हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में हो गया। अब दोस्तों, मेरे पास मेरे कीबोर्ड का यूजर मैनुअल है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी करता हूँ, देखता हूँ लेता है कि नहीं लेता है। ओके, वाह, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। बस आपको अपने फोन को हिलाना नहीं है, थोड़ा सा स्थिर करके रखना है, ठीक है। वाओ, तो दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए आपने अपने फोन में कोई फोटो खींच के रखा है, ठीक है, कोई फोटो खींच के रखा है और आपको उसको ट्रांसलेट करना है। तो आपको इधर फोटो पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, फिर आप वहां से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप किस फोटो को इंग्लिश, हिंदी में, पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहती हैं, आप उसको यहां से सिलेक्ट कर सकती हैं। और दोस्तों, जो दूसरी एप्लीकेशन है, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, अगर आप कैमरे से कोई फोटो खींच के ट्रांसलेट करना चाहती हैं तो आप कैमरे पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने किसी पेज का फोटो लेके रखा है, अपने कॉपी किताब का फोटो लेके रखा है गैलरी में, तो आप गैलरी से उस फोटो को लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कुछ लिख के ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसलेट पे क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे पे क्लिक करके। एक मिनट, भाग कहाँ रहा है भाई। तो
तो सबसे पहले आपको इसका फोटो खींचना है। आप देख सकते हैं कि मैं फोटो खींच लिया, ठीक है। अब आपको सही पे क्लिक करना है। सही पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको क्रॉप करना है, फिर आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा, तो आपको अपनी भाषा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये तो इंग्लिश है, आपको यहाँ पे अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने बाद में आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हिंदी में हो चुका है। तो दोस्तों काफी कमाल की दोनों एप्लीकेशन है, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहां से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।